कैसे हैं आप सब? आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ 5 इम्पोर्टेंट क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में। ये 5 इम्पोर्टेंट क्रिप्टो अपडेट्स कौन सी हैं, कहां से आ रही हैं और क्या है ये सारी अपडेट्स, सारी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट की अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पे GMX कॉइन को लेके, GMX टोकन भी आप इसको बोल सकते हो। और आज दो, पहले नंबर की और सेकंड नंबर की बड़ी एक्सचेंज ने, दो एक्सचेंज ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया। जी हाँ, इसका अपडेट हमने आपको टेलीग्राम पे भी किया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ सभी अपडेट मिलते रहते हैं। तो बाइनेंस पे लिस्टिंग हुई GMX टोकन की और 50% तक जो है इसके प्राइस ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो गए। तो 50% तक इसके प्राइस बढ़े, $66 का इसने हाई लगाया। अभी ये फिर से आ चुका है $57 के अराउंड जो है अभी इसका प्राइस चल रहा है। तो अभी एक लिस्टिंग का इम्पैक्ट, थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे इंक्रीज जरूर हुआ, लेकिन आपको पता है बाइनेंस लिस्टिंग जब भी होती है तो इम्पैक्ट पड़ता है। और आगे लॉन्ग रन के अंदर GMX के प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अब देखो, FTX ने भी लिस्ट किया, बाइनेंस ने भी लिस्ट किया, इसके बाद और जो एक्सचेंजेस हैं वो भी लिस्ट कर देंगे, क्योंकि बाइनेंस जिस कॉइन को लिस्ट कर देता है बाकी एक्सचेंजेस भी धीरे धीरे उस कॉइन को लिस्ट कर देती हैं। ज़्यादा असर तो देखने को नहीं मिला लिस्टिंग का, क्योंकि बियर मार्केट कहीं ना कहीं आपको पता है भारी पड़ रहा है। और यही लिस्टिंग अगर बुल मार्केट के अंदर हुई होती तो GMX पे और भी अच्छा असर पड़ता। लेकिन हाँ, एक नई लिस्टिंग हुई बाइनेंस की काफ़ी टाइम के बाद। सेकंड अपडेट की बात करें तो शिबा एटर्निटी आने वाली है। आपको पता है कल शिबा एटर्निटी लॉन्च होने वाली है, शिबा इनू का डाउनलोड डे है। उससे पहले वेल्स काफ़ी हलचल कर रही हैं। 1 ट्रिलियन शिबा इनू यहाँ पे फिर से मूव किए गए हैं अननोन वॉलेट से सीधा कॉइन बेस के अंदर। ये सारी वेल्स पिछले कुछ टाइम से हलचल कर रही हैं और काफ़ी शिबा इनू टोकन्स एक्सचेंजेस से वॉलेट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वॉलेट से एक्सचेंजेस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ वेल्स बाय भी कर रही हैं लेकिन कुछ वेल्स सेलिंग भी कर रही हैं। और क्या कुछ होगा कल, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे शिबा के प्राइस पे, उससे पहले इतनी जो ट्रिलियंस में यहाँ पे जो है हलचल चल रही है वेल्स की, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। और कल क्या होता है, आपके क्या व्यूज़ हैं शिबा इनू के लिए, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है शिबा इनू के लिए। और ऐसे में ट्रिलियंस में यहाँ पे जो है इधर उधर हो रहे हैं कॉइन्स, तो क्या करने वाली हैं वेल्स, कुछ यहाँ पे बड़ा करेंगी या नहीं करेंगी, आपके जो भी व्यूज़ हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थर्ड अपडेट की अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन को लेके। बेबी डॉज कॉइन अभी 7% डाउन चल रहा है और बेबी डॉज कॉइन में अगर आप देखो बिल्कुल भी हलचल नहीं है, क्योंकि बेबी डॉज स्वैप कभी भी लॉन्च हो सकती है। और जैसे ही लॉन्च का अपडेट आएगा, क्योंकि आज 5 अक्टूबर है और आज लॉन्च डेट है, ठीक है, बेबी डॉज स्वैप की, तो जब भी लॉन्च होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन जिस तरह से पहले प्राइस डाउन चल रहे हैं तो उम्मीद यही है कि शायद बेबी डॉज कॉइन पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको बेबी डॉज स्वैप के पड़ते हुए ना दिखे। बाद में पड़ सकते हैं, लॉन्ग रन में पड़ सकते हैं, लेकिन पहले पड़ते हुए अभी फिलहाल हमको नहीं दिख रहे हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो वो है बिटगर्ट को लेके। बिटगर्ट अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी दिन है बिटगर्ट के लिए भी आज, और वहाँ पे जो है उनकी क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ पे लाइव होने वाली है, है ना। जो बिटगर्ट की एक्सचेंज है वेब वर्जन, वो आज यहाँ पे लाइव हो जाएगा। लेकिन ये 4% ग्रीन में चल रहा है इस टाइम पे, तो इसके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। और ये जब भी एक्सचेंज लाइव होगी आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। तो कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनके लिए आज का दिन भी इम्पॉर्टेंट है और कल का दिन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिटगेट की एक्सचेंज भी कभी भी लाइव हो सकती है। लास्ट एंड फाइनल इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वो है गुड न्यूज़। और आज से क्रिप्टो एक्सपो जो है वो शुरू हो चुका है, जिसकी अपडेट, जिसकी बात हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे। और जैसे ये एक्सपो, जैसे ये इवेंट शुरू हुआ है तो मार्केट में थोड़ी बहुत रौनक ज़रूर आई है, ठीक है, आगे और भी आ सकती है, है ना। तो कहीं ना कहीं इवेंट्स पॉजिटिविटी लेके आते हैं और वो चीज़ हम काफ़ी टाइम से जो है आपके साथ शेयर कर भी रहे हैं। तो आज से क्रिप्टो एक्सपो शुरू हो चुका है दुबई, और 5-6 अक्टूबर ये क्रिप्टो एक्सपो जो है चलने वाला है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आप किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी रिसर्च आप ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।